हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में टेक्निकल टेक पे। तो गाइस ये है महिंद्रा का बोलेरो। तो गाइस ये गाड़ी का प्रॉब्लम है वाइपर का, तो पहले एक बार हम वाइपर चला कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है इग्निशन ऑन। तो इसका वाइपर क्या होता है, जैसे कि ये है वाइपर का स्विच, चार टू मोड दिया हुआ है। तो इसमें लो हाई जो मोड है तो लो वाला मोड नहीं चल रहा है, और यहाँ पे जो हाई मोड है तो ये हाई वाला मोड चल रहा है, और ये वाला मोड और ऊपर वाला मोड काम नहीं कर रहा है। तो एक बार आपको चला कर दिखा देता है। तो अभी देख सकते हैं लो मोड में दिया हुआ है, और अभी अगर हम हाई मोड चलाएगा तो हाई मोड चलता है, देख सकते हैं सिर्फ हाई मोड चल रहा है। और पानी भी फेंक रहा है, लेकिन पानी फेंकने के साथ ये वाइपर भी चल रहा है, लेकिन वाइपर नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लो मोड में दिया हुआ है, सिर्फ हाई मोड ही चल रहा है। तो यही है इसका प्रॉब्लम, देख सकता है हाई मोड चला के हम लो मोड में लेके आए तो ये जगह पर रुक गया है। और अभी हम दिखाएंगे आपको इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसका, तो यहाँ पर इसका फ्यूज रहता है, और ये है फ्यूज का, देख सकते हैं ये है फ्यूज का डायग्राम, कौन सा फ्यूज कहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई का फ्यूज, तो ये सब फ्यूज अच्छा है अंदर में। तो यहाँ पे है फ्यूज, तो फ्यूज वगैरह हम चेक कर लिया, फ्यूज वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अभी हमको लग रहा है इसका मोटर में कुछ प्रॉब्लम होता होगा, या तो इसका डैशबोर्ड के अंदर कुछ वायर कटा होगा। तो एक बार चेक करके आपको दिखा देता है। तो आप लोग बना रही है वीडियो, आप लोग इसकी मत करना। तो चलिए इसको रहने देता है, क्योंकि अभी हमको चेक करना पड़ेगा। तो यह है मेरा टेस्टिंग लैंप, और हम इसी से चेक करेगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसका वाइपर मोटर कहाँ पे होता है। तो इसका नीचे में रहता है वाइपर मोटर, अंदर आया दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट जला लेता है। तो अभी आप देख सकते हैं वाइपर मोटर, तो ये रहा वाइपर मोटर, देख सकते हैं। और ये रहा इसका वायर सॉकेट, और मैं देख सकता है इसका वायर सॉकेट, और ये रहा वाइपर मोटर। तो अभी सबसे पहले हम इसका वायरिंग चेक करेंगे। तो उधर जब हम लो मोड चालू करता है तो इधर करंट आता है कि नहीं आता है, वो अभी हम सबसे पहले इसका चेक करेंगे। अगर आ रहा है तो मोटर में प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आता है तो वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसका वायरिंग। तो इसके लिए अभी हम ये बॉक्स को खोल देंगे, थोड़ा चेक करने में आसानी होगा। तो इसके नीचे दो स्क्रू लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दो स्क्रू लगा हुआ रहता है, ये दोनों को खोल देने से ये ड्रायर बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने दो स्क्रू खुला है, तो ये बाहर में आ गया, और अभी देख सकते हैं पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है कहाँ पे क्या है। तो ये रहा वायर सॉकेट वाइपर का, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो इसको अभी हम खोल लेता है। तो अभी देख सकते हैं मैंने वाइपर का वायर सॉकेट खोल दिया, तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो ये है मेरा टेस्टिंग लैंप, तो इसको लगाता है मैंने अर्थिंग पे, बॉडी पे ग्राउंड दे दिया इसको, और ये रहा मेरा लैंप। और इसका मोड हम सेट कर लेता है, लो मोड पे रख देता है इसको। तो सबसे नीचे हाई मोड है, और इसके ऊपर है लो मोड। तो यहाँ पे हो गया लो मोड, और अभी हम इसको घुसाएगा वायर सॉकेट पे, अगर जल गया तो वायरिंग अच्छा है। तो देख सकते हैं अभी लो मोड में करंट आ गया। तो ये रहा हाई मोड, तो हाई मोड में आप देख सकते हैं ऑफ हो गया, और अभी हम पूरा ऊपर करेगा तो ये लो मोड ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो गया हाई मोड। तो यहाँ पे लाइट ऑफ हो जा रहा है, और अगर हम थोड़ा सा ऊपर करेगा तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जा रहा है, उसका मतलब कनेक्शन सही है। तो एक बार हम इसका वायर सॉकेट को लगा के देखते हैं, क्योंकि इसका वायर सॉकेट में हल्का सा कार्बन पकड़ा हुआ है, देख सकते हैं पिन में हल्का सा कार्बन पकड़ा हुआ है, हमको लग रहा है इसकी वजह से भी हो सकता है। एक बार हम इसका वायर सॉकेट लगा के देख लेता है, अगर हो गया तो बढ़िया है, वरना हमको मोटर खोलना पड़ेगा। एक बार हम अभी इसका वायर सॉकेट लगा के देखेंगे, अगर काम हो गया तो अच्छा है, वरना हम इसका मोटर को खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ब्रश लगा हुआ था तीन, अगर तीन में से कोई एक खराब हो गया तो एक मोड काम नहीं करेगा, दो कार्बन ब्रश खराब हो गया तो दो मोड काम नहीं करेगा। तो पहले देखते हैं अब क्या होता है। तो इसको सफा कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी मैंने वायर सॉकेट को लगा दिया है, और अभी एक बार चला के देखते हैं। तो इसका मतलब मोटर में प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है, हम वायर सॉकेट को लगा के देखा है। तो अभी हमको ये मोटर को खोलना पड़ेगा। तो ये है मोटर का बोल्ट, तो यहाँ पे तीन बोल्ट लगा हुआ रहता है, ये तीन बोल्ट को खोलने के बाद ये आ जाएगा, और ये लीवर को खींचना पड़ेगा। तो जब मोटर घूमता है तो ये लीवर ऐसे अप डाउन होता है, तो ये लीवर को खींच देने से ये निकल जाएगा। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं। तो आराम निकल चुका है, देख सकते हैं आप, और ये यहाँ तक लगा हुआ रहता है वाइपर आराम से। तो अभी हम ये मोटर का तीन बोल्ट को खोलेंगे, और उसको खोलने के बाद ये मोटर बाहर में आ जाएगा। तो अगर अभी मैंने मोटर का तीनों बोल्ट खोल दिया, और देख सकते अभी मोटर भी आ चुका है बाहर में। तो देख सकते ये है वाइपर मोटर, और अभी हम इसको खोल के बाहर निकल दिया,
और इसका कार्बन ब्रश यही जगह पे लगा हुआ रहता है, तो अभी हम इसको बाहर लेकर जाएगा और इसका कार्बन ब्रश को सबसे पहले खोल के देखेगा। और यह पे रहता है इसका आर्मेचर, और यह है आर्मेचर का बॉडी, तो ये TVS लुकास मॉडल है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या हुआ है। मोटर एक्टिवेट होता है तो ये चीज़ घूमता है, और ये घुमाता है तो इसको घुमाता है, ये अप डाउन होता है, और वहाँ पर देख सकते हैं पूरा मोटर सेटअप लगा हुआ है, मैकेनिज्म होता है, और ये ब्लेड घूमता है। तो चलिए अभी इसको जैसे खोल के देखते हैं क्या हुआ, तो आप साथ में बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो बोल्ट है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो ये दोनों बोल्ट खुलने से ये बॉडी बाहर आ जाएगा। और ये 7 नंबर का है ये बोल्ट, तो देख सकते हैं ये है मैग्नेट बॉडी के अंदर ही आर्मेचर रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंदर कितना मेल है, कितना कार्बन पाउडर है, देख सकते हैं। और ये क्या का है ये पाउडर, अभी हम आपको दिखाने वाला है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि गाइस देख सकते हैं, अभी हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो ये है इसका कार्बन ब्रश, और ये पूरा ख़त्म हो गया, देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा भी नहीं है। तो ये है कार्बन ब्रश, और ये पूरा ख़त्म हो चुका है, और इसकी वजह से इसका लो मोड नहीं चल रहा है। ये देख सकते हैं ये आर्मेचर में फिटिंग रहता है, आर्मेचर में, तो ये आर्मेचर का कंप्यूटर में फिटिंग रहता है, और इसी से आर्मेचर घूमता है, जब भी इसमें करंट आता है तो ये आर्मेचर से घूमने लग जाता है। और हाई मोड जो काम कर रहा था, इसकी वजह से काम कर रहा था, देख सकते हैं इसमें हल्का सा कार्बन बचा हुआ है, तो इसको पूरा निकाल देता है। तो ये इसको ऐसे घुमा के खींचने से ये बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं ये है फ्लाईव्हील, तो ये जो आर्मेचर घूमता है, तो ये आर्मेचर घूमने से ये फ्लाईव्हील को घुमाता है। और ये देख सकते हैं, और ये जो प्ली है ये फ्लाईव्हील ये प्ली को घुमाता है। तो देख सकते हैं आर्मेचर का कंडीशन अच्छा है, सिर्फ कार्बन ही खराब हो गया, लगा हुआ रहता है। और ये रहा कार्बन ब्रश, देख सकते हैं ये पूरा ख़त्म हो चुका है, ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ये बचा हुआ है हल्का सा, ये भी ख़त्म हो ही गया। तो अभी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा ये पूरा कार्बन सेट, कार्बन वॉकर प्लेट बोलता है इसको, लेके आएगा और इसी को फिटिंग कर देगा। पूरा लगा हुआ रहता है, या एक या पे और एक या पे, ये दोनों को खुल जाएंगे, कचिंग सेट कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग को ये पूरा सेट को चेंज करना पड़ेगा, देख सकते हैं, तो ये पूरा सेट ही आएगा, और बाकी सब अच्छा है, ये अच्छे से सफर लगा देगा बाद में। और इसी से पूरा मैकेनिज्म होता है कोई पार्ट का घूमने का, तो चलिए अभी हम लोग को नया कार्बन ब्रश हम लोग इसको लगाने वाला है। तो ये कुछ इस तरह आता है, तो बिल्कुल सही नहीं, इसकी वजह से ये इसको लगाने वाला है। और देख सकते हो ये कार्बन ब्रश कितना लंबा है, ये हम आपको कार्बन ब्रश दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो ये कितना छोटा हो गया था, और ये कार्बन ब्रश आप देख सकते हैं कितना लंबा है, हम नहीं करता। तो चलिए अभी हम लोग इसको लगा देते हैं, और ये सब तो हम लोग अच्छे से वॉश कर दिया। तो देख सकते हैं अभी हम लोग कार्बन प्लेट रोकर को लगा दिया,
गाइस फाइनली अभी हम लोग का मोटर हो चुका है तैयार। एक बार इसको हम चेक करेंगे बाहर में गाड़ी पे लगा के, गाड़ी पे जो ऑयल सेट लगा हुआ है इसको लगा के एक बार हम बाहर में चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग गाड़ी में फिटिंग करेंगे। तो ये वाला वायर सॉकेट को अभी हम लोग लगाना है इसका साथ, और लगा के अभी हम लोग एक बार मोटर को ऑन करेंगे। जो पहले स्विच पे जो काम नहीं कर रहा था वो वाला स्विच को हम लोग ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने वायर सॉकेट को लगा दिया है और ये रहा मोटर। तो अभी हम लोग मोटर को एक बार घुमाएंगे। और एक गट। तो अभी हम लोग चाबी को किया ऑन, वाइपर को भी चला दिया है और अभी देखते हैं मोटर को, आर्थिंग देना पड़ेगा मोटर को। तो यहाँ पे देख सकते घूम रहा है हाँ। अभी तो हाई मोड वाला है ना हाँ। मोड चेंज कीजिए, अभी लो है ना हाँ। हाई कीजिए नीचे हाँ। तो ये है हाई मोड और लो, और ये है लो मोड और ऊपर कीजिए हाँ। ये वाला मोड पे देख सकते हैं रुक रुक के चलेगा। तो ये वाला मोड में रुक रुक के चलता है, वो पानी चलाइए। तो देख सकते हैं अभी पानी चलाने से भी वाइपर चल रहा है, पहले सिर्फ हाई मोड चलता था। तो अभी हम लोग मोटर बंद कर चुका तैयार, तो अभी वापस इसका जगह पे लगा देता है और उसके बाद आपको एक बार उसके बाद हम आपको पूरा वाइपर ब्लेड चला के दिखेगा। तो चलिए इसको अभी फिटिंग कर देते हैं इसका जगह। तो अभी देख सकते हैं मैंने मोटर को कर दिया फिटिंग इसका जगह पे। हेलो, तो अभी मैंने वाइपर का स्टिक को लगा दिया, वाइपर चलाए पानी। तो देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग का काम हो चुका है कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना सबसे पहले देखने के लिए।